ଇଲେକ୍ସନ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ହେଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ 2024 ଆରମ୍ଭ ହେବ 22 ତାରିଖ ଦିନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳକୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନର୍ ରହିବେ ଓଡ଼ିଶା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିନିଷ୍ଟର ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅନର୍ସ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବି ସେମିତି ହେବ, କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆସିନି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁନୁ। ଆଉ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ କରିବେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳକୁ। ସିଧା ସିଏ G20 ସମ୍ମିଳନୀରୁ ବ୍ରାଜିଲରୁ ଆସିକରି ଡେଲି ପହଞ୍ଚିକରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ରହିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ବୁକ୍ ପବ୍ଲିସର୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇକଠା କରିଛୁ, ଆଉ NBT ବି ତାଙ୍କର ବହି ଡିସପ୍ଲେ କରିବେ, ହଜାର ହଜାର ବହି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସେମିନାର କରୁଛୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ଓଡ଼ିଆର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଡେରେ ଓଡ଼ିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ବି 23 ତାରିଖ ଦିନ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ମାନଙ୍କ ଗୋଟେ 15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଆସିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ସେମିନାର ହେବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍। 24 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗୋଟେ ସେମିନାର ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ କେ ବାରେ ମେ ଜବ ଆପ ବାତ କରତେ ହୈଁ, ପହେଲି ବାତ ଆପକୋ ୟେ ବତା ଦୁଁ କି ୟେ 2017 ମେ ଏକ ପହେଲ କି ଗଈ କି ଓଡ଼ିଶା କୋ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ମେ କିସ ତରହ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଆ ଯାଏ। ଲଗଭଗ ୟେ ଅନୁଭବ ରହା, ମେ ଭି ଦିଲ୍ଲୀ ମେ ଲଗଭଗ 25 ବର୍ଷୋ ସେ ହୁଁ। ତ ପହେଲେ ଜବ ଦିଲ୍ଲୀ ମେ ହମ ଲୋଗ ଆଏ ଥେ ତ ଓଡ଼ିଶା କହାଁ ପେ ହୈ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କେ ନାମ ସେ ଜରୁର ଜାନତେ ଥେ, ପରନ୍ତୁ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଓଡ଼ିଶା କହାଁ ପେ ହୈ ୟେ ସବକେ ଲିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ହୋତା ଥା। तो कहीं ना कहीं मन में ये रहता था कि उड़ीसा के बारे में लोगों को बताया जाए। 2017 में एक ऐसा क्रम बना कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ लोगों ने इस बारे में बात किया, उनके ही प्रोत्साहन से ये सोचा गया कि दिल्ली में एक बड़े आकार में उड़ीसा की संस्कृति, उड़ीसा के खान पान, उड़ीसा की जो हैंडीक्राफ्ट है उसको प्रस्तुत करना चाहिए। तो 2017 से ये शुरू हुआ ये पहल। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उड़ीसा के लोगों में उड़ीसा के प्रति जानने की एक भावना, और उड़ीसा के बाहर के लोगों में भी उड़ीसा को जानने के लिए एक भावना का एक वृद्धि किया जाए, इसका उद्देश्य यही था। और उड़ीसा के लोग उड़ीसा के बाहर आते हुए ये ना सोचे कि भाई कहीं भी वो कम है, किसी भी मामले में किसी भी गिण में वो कम है। तो एक उड़ीसा को और उड़िया लोगों के लिए प्रोत्साहन के लिए उड़ीसा पर्व 2017 में प्रारंभ किया गया, और आज 2024 में ये इसका अष्टम कह सकते हैं संस्करण है कि दिल्ली में लोग कर रहे हैं। हाँ, अगर आप कोविड को देखेंगे तो 7th होगा, परंतु 8th इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बीच हम लोगों ने सूरत में भी एक वर्ष में 2 बार उड़ीसा पर्व हुआ था, दिल्ली में भी और सूरत में, उस नाते में 8th। देखिए जो अभी की जो परिकल्पना है, इसके उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी, क्योंकि उड़ीसा से हैं, हमारी माटी से ही हैं। उस दिन श्री मोहन मांझी जी का भी रहना ऐसा तय हुआ है 22 तारीख को। 23 तारीख को भी गणमान्य व्यक्ति रहेंगे, अभी फाइनलाइज हो रहा है। 24 तारीख को, और इस दृष्टि से काफ़ी आकर्षण रहेगा कि हमारे भारत के गौरवशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे 24 तारीख के जो समापन उत्सव में। तो लगभग आप अगर देखेंगे तो देश के राष्ट्रपति महोदय से लेकर प्रधानमंत्री सब इस उत्सव में शामिल होंगे, और उड़ीसा के हर ज़िले से एक तरह से लोग आएंगे, इसमें उनका पार्टिसिपेशन रहेगा। वो चाहे खाने के मामले में हो, वो चाहे हस्तकला के मामले में हो, वो चाहे प्रदर्शन के मामले में हो। तो ये प्रयत्न है कि उड़ीसा के जो 30 जिले हैं, 30 जिलों में सबके सहभागिता रहे, सब लोग दिल्ली में आएँ, अपने कला का प्रदर्शन करें, कोई अगर अच्छा भोजन बना रहे हैं तो उसके प्रदर्शन हो, हस्तकला में कोई पारंगम है तो उनको प्रदर्शन के करने का मौका और एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और आपको मैं ये बता दूं कि कई सारे हमारे साथ ऐसे लोग हैं
जो कि वर्षों से हर वर्ष आते हैं और यहाँ पे अपने हस्तकला का कह लीजिए या खान पान का प्रदर्शन करते हैं और लोग उन्हें याद रखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उड़ीसा के खान पान, हस्तकला और सारा कुछ दिल्ली में उसका शोकेस करना। मोर जे आज तो 22-23-24 तारीख उड़ीसा पर्व जो आरंभ होगाक जाऊँगी ये 2017 आरंभ होता सेतेबेले लोक मैंने जाणि नथिले उड़ीसा पर्व कौन। आमर देवराज बाबू, संग्राम बाबू एम जाकि मानने गली गली बुलिक प्रचार करुले कि इमती आस उड़िया भाई मैंने समस्ते आस आमर गोटे उड़ीसा पर्व हूँ इंडिया गेट्रे आम भी से मीटिंग की जाइलु आम 101 मीटिंग मंदिर रे मीटिंग होता से आम जानलु से आम जानलु जो उड़ीसा पर्व कौन केमी हम से विषय आमको ये बोधे लोक जना ना आउतापर आमर हूँ सिद्धार्थ प्रधान बाबू, रब बाबू एम एठू हैंडल करते से गाँ घर मानने गाँ गाँ जा बुलिक प्रचार करते आरंभ है उड़ीसा पर्व। बहुत लोक खुशी हेले से देखिकी आउतापर आज देखते आज मीटिंग रे बहुत लोक आहुत संस्था अनेक जगन्नाथ मंदिर रु आसक से मानकर सब पर्सनाल संस्था अच्छी से मैंने सब आज एकजुट होठी जावाक पड़ूनी यही आसिकी पहुँचती आम भी सेमती आमर सेक्टर 82 नोएडा आसचुँ आमर गोटे संस्था अच्छी JBS सोशल ट्रस्ट जो थी कि प्रेसिडेंट अच्छी सेक्रेटरी अच्छा कैशियर अच्छा आम संस्था भी सोशल वर्क बहुत कर चलती आम सेमती चेष्टा कर उड़ीसा पर्व को किमी सेपट रु बहुत लोक नहीं आसिकी समस्ते मिलिकी सक्सेस कर एमती बड़ बड़ प्रोग्राम होम सेपटर बहुत 20-20 बस नहीं कि आम आसिक पहुँच दिल्ली में 20 बस गोटे गोटे दिन में बुझल कि तेणुक आम चेष्टा कर समस्त कि बहुत परिमाण में लोक आणिकी केवल ओडिया नुहे ओडिया भी आसवे नन ओडिया भी आसवे बहुत कुछ देखा चाहते कौन हो बुझे तापर आमर महिमा राष्ट्रपति सी भी आसंट प्रधानमंत्री आसार बड़ कथा कौन अच्छी समस्त मनर खुशी हाँ भिड़ बढ़ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुखर कि शुणापी समस्त आग्रह बुझल कि तापर आम ओडा छाड़ी ये दिल्ली में आसिकत बड़ गोटे संगठन चलता सबुठ जो मैंने सिद्धार्थ बाबू आ रब बाबू एम मुख्य होकर कम चलाउंट धर्मेन्द्र बाबू संपूर्ण भाव में साय कर बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।